दोस्तों आपको बता दें, फियरलेस रुबीना दिलायक बिल्कुल निडर और एक कड़क खिलाड़ी बिग बॉस के अंदर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान पे यहाँ पे रुबीना दिलायक ने एलिगेशन लगाए कि सलमान खान ने आखिर उनके पति को कैसे बोल दिया सामान। इस वीकेंड के वार पे सलमान और रुबीना की तीखी नोकझोंक हुई थी और दोस्तों यहाँ पे रुबीना दिलायक ने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन नहीं होने दी और सीधी कन्फेशन रूम में पहुँची आज, और उन्होंने बिग बॉस को कहा कि वो मेरे पति को कैसे सामान कह सकते हैं, और साथ ही साथ मैं इस शो पर कोई मरे नहीं जा रही आने के लिए, आप लोग मुझे आने के लिए कहे थे और एक डील के तहत मैं यहाँ पर आई थी कि मेरा पति आएगा और मैंने उन्हें फोर्स किया इस शो के अंदर आने के लिए, तब जाकर वो शो में आए हैं। आप इस तरीके से उनके डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। व्हाट इज़ दिस सामान? ये सामान से सलमान कहना क्या चाहते हैं? बिग बॉस ने रुबीना को लाख समझाने की कोशिश की कि सलमान खान ने ये क्यों कहा, कैसे कहा, मजाक में कहा, लेकिन रुबीना ने शो छोड़ने का मन बना लिया। फिर वहाँ पर अभिनव को बुलाया गया, जिन्होंने रुबीना को थोड़ा बहुत समझाया और बिग बॉस की बातें सुनी और निष्कर्ष निकल के आया कि शायद सलमान मजाक ही कर रहे होंगे, लेकिन रुबीना तब भी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि मैं सलमान खान से इस बात के बारे में पूछूंगी कि आखिर उन्होंने मेरे पति के बारे में ऐसा कहा तो क्यों कहा। दोस्तों रुबीना दिलायक की ये दिलेर हरकतें बिग बॉस में अलग ही लेवल पे जा रही है और उन्हें सबसे अलग थलग बना रही है। हमेशा बिग बॉस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, सलमान खान जैसे बड़े सितारे के खिलाफ आवाज़ उठाना, वाकई में इसके लिए बड़े गट्स चाहिए, जो रुबीना ने दोस्तों दिखाया है कि उनमें कितने गट्स हैं। रुबीना दिलायक का ये निडर तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब करें दोस्तों खेलो खेलो और भी खबर जानने के लिए।